दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी, ये हमारी BS6 कॉम्पैक्ट CNG गाड़ी के ऊपर है। चाहे LPG हो, CNG हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर कभी गाड़ी को आप लेकर जा रहे हैं, रोड पर गाड़ी बंद हो जाए, स्टार्ट नहीं हो, तो दोस्तों वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें कि अगर गाड़ी बंद हो जाए तो सबसे पहले मैं ऐसा कौन सा छोटा सा काम करना है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रोड पर ही स्टार्ट हो सकी है और आप तकलीफ से बच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि मैं गाड़ी में सेल्फ लगा रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जबकि मेरी गैस की लाइट जल रही है, MIL की लाइट आ रही है, बैटरी मेरी चार्ज है, बट फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने पीछे इंजन की तरफ, और सबसे पहला स्टेप होता है हमारा जो ST कॉइल होता है उसका, अपना जो प्लग स्पार्क प्लग का कैप है उसे अपन ओपन करते हैं और उसके बाद गाड़ी में सेल्फ लगा कर देखेंगे कि इसमें लीड पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोबारा लगाओ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा जैसे कि सेल्फ लगा रहे हैं बट गाड़ी में ST कॉइल की लीडों पर करंट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले छोटा सा स्टेप हमारा, हम आएंगे अपने डैशबोर्ड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा वहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स होता है, उस फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर देखिए कवर लगा रहता है जिसमें 6 फ्यूज़ होते हैं ऊपर डिब्बे में, और सब पे नंबरिंग रहती है, अलग अलग फ्यूज़ अलग अलग काम के लिए रहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं ST कॉइल पे मेरी लीडों में करंट नहीं आ रहा, तो वहाँ एक नंबर फ्यूज़ मेरा, सबसे पहले मुझे एक नंबर फ्यूज़ को उसमें से निकालना है, सबसे पहले कवर निकालना है ऊपर वाला मेरे को, और कवर निकालने के बाद जो मेरा एक नंबर फ्यूज़ है जो कि 10 एम्पियर का होता है, उसे हम चेक करेंगे कि वो मेरा फ्यूज़ सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को बाहर निकाल लेते हैं और आपको बताते हैं ये फ्यूज़ हमारा सही है या ख़राब है, चेक करते हैं। तो फ्रेंड, जो भी अपने चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपके लिए मैं लेकर आता रहूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए, जैसे कि देखने से मालूम चल रहा है मेरा फ्यूज़ का वायर है उड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, बट हम फिर भी मल्टीमीटर की मदद से देखेंगे कि फ्यूज़ कैसे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट करें। पास दो फ्यूज़ हैं, एक ख़राब है इसमें, एक ओके है, तो चेक करते हैं मल्टीमीटर से, मालूम क्या चलेगा ख़राब कौन सा, ओके कौन सा है। तो सबसे पहले दो हमारी जो नॉब हैं मल्टीमीटर की, एक में लगाएंगे और एक में लगाएंगे, तो उसमें पास लाउट हुआ, आवाज़ आनी चाहिए, बीप की आवाज़ साउंड आना चाहिए, तो देखो उसमें नहीं आ रहा है, उससे मुझे मालूम चल रहा है कि हमारा ख़राब है, दूसरा नंबर भी दिखाई भी दे रहा है यहाँ से। अब लेते हैं अपना दूसरा वाला फ्यूज़, ओके वाला, एक में लगाया, देखो मल्टीमीटर में आवाज़ भी आने लगी और तार भी हमारा दिखाई देगा, पास करके सुनो आवाज़ आ रही है, ठीक है, ओके फ्यूज़ है, तो वहाँ पर हम फ्यूज़ चेंज करेंगे। चलो लगा दिया। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें नया फ्यूज़ अपना लगा दिया है और अब दोबारा से हम चेक करेंगे कि नया फ्यूज़ लगाने के बाद हमारी गाड़ी पर ST कॉइल की लीडों पर करंट आया या नहीं आया। तो कितना फ्यूज़ की लीडों पर दोबारा करो, बस। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने चेक किया नया फ्यूज़ रिप्लेस करने के बाद ST कॉइल की लीडों पर करंट आने लगा, तो वापस से हम अपना जो स्पार्क प्लग अपन ने ओपन किया था ST कॉइल से, उसे दोबारा से फिट कर देंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर लाया था कि अगर कभी गाड़ी आप चला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, गाड़ी बंद हो जाए, ST कॉइल की लीडों में करंट नहीं आए, तो हमें क्या करना है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ST कॉइल की लीड में करंट नहीं आता है, सर क्या करना चाहिए, और कभी मालूम चला कि फ्यूज़ ही खराब था। तो इसी के ऊपर मैं वीडियो लाया था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।